गुड इवनिंग एवरी वन, माई सेल्फ दीक्षा एम सीनियर नर्सिंग ट्यूटर RPIIT कैंपस बस्ताड़ा करनाल। टूडे आई हैव डिस्कस माई प्रीवियस टॉपिक माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई। सो इन दिस सेशन आई हैव डिस्कस अबाउट क्लिनिकल टाइप्स ऑफ द लेप्रोसी। सो दे हैव डिस्कस वन बाई वन। क्लिनिकली फोर टाइप ऑफ द लेप्रोसी आर, फर्स्ट वन लेप्रोमेटस लेप्रोसी, देन ट्यूबरक्लॉइड टाइप्स, देन डायमॉर्फिक लेप्रोसी एंड इंटरमिटेंट लेप्रोसी। फर्स्ट वन लेप्रोमेटस लेप्रोसी। लेप्रोमेटस लेप्रोसी इज अ स्किन कंडीशन कंसिस्टिंग ऑफ पेल मैक्यूल्स। जो फर्स्ट वन हम देखें तो ये स्किन कंडीशन में अराइज होती है और जिसकी वजह से जो स्किन का कलर होता है पेल मैक्यूल्स फॉर्मेशन हो जाती है स्किन में। दी मैक्यूल्स विद अपेयर ऑन फेस, हैंड, फीट, ईयर लोब्स एंड लेस कॉमनली ऑन द ट्रंक। जो ये मैक्यूल्स फॉर्मेशन होगी सबसे पहले अपीयर होने लगेंगे हमारे फेस पे, देन हाथ, हैंड पे, फीट पे, ईयर लोब्यूल्स पे, लेस कॉमनली ट्रंक बैक एरिया पे। इन दी मैक्यूल्स अ लार्ज नंबर ऑफ दी बेसाई विल बी प्रेजेंट। और जो हमारे ये मैक्यूल्स होते हैं उनमें लार्ज नंबर ऑफ दी बेसाई प्रेजेंट होते हैं। देन ट्यूबरक्लॉइड टाइप। इन दी ट्यूबरक्लॉइड फॉर्म ऑफ द डिजीज द स्किन लीजन अपीयर एज रेड, लाइट रेड और पर्पलिश स्पॉट। जो ट्यूबरक्लॉइड की बात करेंगे तो डिजीज होती है स्किन की जिसमें लीजन अपीयर होते हैं लाइट रेड कलर के होते हैं और पर्पलिश स्पॉट फॉर्मेशन हो जाती है। ट्यूबरक्लॉइड लेप्रोसी इज मोर बिनाइन टाइप इवन थाउट इज द एकॉम्पनिड बाई नर्व इन्वॉल्वमेंट विच लीड द नमनेस यूजली ऑफ द एक्सट्रीमिटी कंट्रैक्चर्स एंड अल्सरेशन। जो ट्यूबरक्लॉइड टाइप है उसमें ये स्किन की डिजीज है जिसमें राइट लेट और पर्पलिस कलर के स्पॉट अपीयर हो जाएंगे। ये कहाँ कहाँ मोस्टली अपीयरेंस होते हैं, जो ट्यूबरक्लॉइड लेप्रोसी होती है वो मोर बिनाइन टाइप की होती है और अकॉम्पनेंट होती है हमारी नर्व को भी इन्वॉल्वमेंट कर लेती है और लीड टू द नेमनेस यूजली एक्सट्रीमिटी कंट्रैक्चर्स एंड अल्सरेशन फॉर्मेशन हो जाती है स्किन में। देन डायमॉर्फिक लेप्रोसी और बॉर्डर लाइन लेप्रोसी। बॉर्डरलाइन लेप्रोसी इज अ क्यूटेनियस स्किन कंडीशन विच न्यूमरस स्किन लीजन दैट आर रेड इरेगुलरली शेप फ्लेक्स। जो बॉर्डरलाइन लेप्रोसी है उसमें क्या होता है, जो हमारी स्किन है उसको इफेक्ट करेगी, स्किन लीजन हो जाएंगे और रेड कलर के इरेगुलरली शेप्ड फ्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगी। इन दिस टाइप लीजन प्रोड्यूस पोसिस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लेप्रामेटस एंड ट्यूबरक्लॉइड लीजन्स। जो इस टाइप के लीजन्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और इसकी बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें बहुत टाइप के होते हैं लेप्रोमेटस एंड ट्यूबरक्लॉइड लीजन्स। दिस लीजन क्लिनिकली रिजेंबल्स लीजन ऑफ ट्यूबरक्लॉइड लेप्रोसी बट बैक्टीरियोलॉजिकली रिजेंबल्स लीजन ऑफ लेप्रामेटस टाइप। जो ये लीजन होते हैं क्लिनिकली रिजेंबल क्या होते हैं, ट्यूबरक्लॉइड लेप्रोसिस में देखें रिजेंबल होंगे, जो क्लिनिकली देखे जाएंगे तो वो ट्यूबरक्लॉइड टाइप के होंगे, बट अगर बैक्टीरियोलॉजिकली रिजेंबल होंगे तो लेप्रोमेटस टाइप के हमारे बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा। देन जिसका लास्ट टाइप है इंटरमिटेंट लेप्रोसी। इन दिस टाइप द लीजन प्रोड्यूस ऑफ्टन रिजेंबल मैक्यूलो एनास्थेटिक पैचेस विच आर नाइदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेप्रोमेटस और ट्यूबरक्लॉइड टाइप। जो इसमें जिस टाइप के लीजन होंगे वो मैक्यूलो एनास्थेटिक पैचेस होंगे विच आर नाइदर करेक्टिस, ना तो वो लेप्रोमेटस की तरह होंगे ना तो वो ट्यूबरक्लॉइड बैक्टीरिया की तरह होंगे। इन सम केसेस दिस लीजन हील्स स्पॉन्टेनियसली वाइल इन अदर इट मे प्रोग्रेस टू लेप्रोमेटस और ट्यूबरक्लॉइड टाइप। सम केसेस में तो देखा गया है कि जो लीजन है वो हील हो जाते हैं स्पॉन्टेनियसली खुद से, वाइल इन द अदर सम केसेस में देखा गया है ये प्रोग्रेस कर जाते हैं बाद में लेप्रोमेटस और ट्यूबरक्लॉइड टाइप की तरह। तो आज हमने पढ़ा जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटस उसके टाइप्स। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। प्लीज़ कंटिन्यू दी टॉपिक, जॉइन माई सेक्शन सेशन। थैंक यू।